आज हम सीखेंगे हिंदी की मात्रा। कौन सी मात्रा सीखेंगे? हिंदी की मात्रा ध्वनि के साथ, पार्ट टू यानी के भाग दो, छोटी ई की मात्रा। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया यानी के जिन्होंने सदस्यता नहीं ली, पहले वो सब्सक्राइब करेंगे। छोटी ई की मात्रा। अब हम सीखेंगे छोटी ई की मात्रा वाले शब्द। तो सबसे पहले हमारा आता है क। हमने इसको बोलना भी सीखा था, क का नहीं। यदि का बोल देते हैं तो आ की मात्रा की आवाज लगती जाती है, तो हमने इसको बोलना है क। तो क के साथ जब हमारी छोटी ई की मात्रा लग जाती है तो हमने छोटी सी आवाज में निकालनी है ई की आवाज। क के साथ है तो कि, कैसे बोलेंगे कि। और उसके बाद च, च के साथ है तो हम च की आवाज निकालेंगे ई के साथ, तो कैसे निकालेंगे चि, कैसे निकालेंगे चि। और ऐसे ही उदाहरण के तौर पर सारे अक्षर हैं ये, और सभी अक्षरों में कौन सी मात्रा लगाई गई है? छोटी ई की। तो मैं आपको कुछ इसमें से बोल के दिखाती हूं। जैसे क के साथ है तो कि, ख के साथ है तो खि, ग के साथ है तो गि, घ के साथ है तो घी, और अड़ के साथ है तो अड़ी। इसी प्रकार से हम सारी की सारी मात्राओं का अभ्यास इसी तरह से अक्षरों के साथ छोटी ई की मात्रा का अभ्यास बोल बोल कर करेंगे। और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करें। धन्यवाद।